श्री हरि विष्णु माता तुलसी की कृपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे, यही हमारी शुभकामना है, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का क्या महत्व है, इसी के संदर्भ में आज बताएंगे। तो मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इस कारण इस महीने का पौराणिक महत्व और बढ़ जाता है। साल भर के सभी बड़े त्यौहार कार्तिक मास में ही आते हैं। श्री हरि को तुलसी जी अधिक प्रिय हैं, इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने में तुलसी जी की विधिवत पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और घर में अपार धन वैभव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि सुबह शाम तुलसी पूजन करने से जीवन में सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से छुटकारा मिलता है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और तुलसी पूजन का भी महत्व बताया गया है। तो आइए आज आपको हम बताते हैं कि तुलसी पूजन के दौरान कौन कौन उपाय करें जो जीवन में कभी कष्ट नहीं हो और धन वैभव बना रहे। वैसे तो पूरे साल के 12 महीने में भी तुलसी का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन विशेष फलदायी है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कहते हैं कि कार्तिक माह में 1 महीने तक शाम के समय तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में तुलसी के पौधों का दान करना भी शुभ होता है। कार्तिक मास में हर बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पौधों को कच्चे दूध से सींचना चाहिए और शाम को तुलसी के सामने दीपक जलाना चाहिए और रोजाना इस मंत्र का जाप करें, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यंग तुलसी त्वंग नमस्ते। तुलसी के छोटे से पौधों को गुरुवार के दिन पीले कपड़े में बांधकर अपने दुकान में अगर रखेंगे तो आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सोमवार की सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्र तोड़कर भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर पत्तों को गंगा जल से धोकर मंदिर में ही रख दे और रात को सोते समय इन पत्तों को तकिए के नीचे रख कर सोए, बोलिए जय श्री हरि विष्णु जय माता तुलसी।